कुमार विक्रांत हमारे साथ है। कुमार, कई सालों से आप सदन की इस कार्रवाई को कवर करते आ रहे हैं, लेकिन इस नई एडवाइजरी को लेकर तो विपक्ष पहले से ही सवाल उठा रहा है। संसदीय शब्दों के अलावा सदन परिसर में धरने प्रदर्शन पर अब रोक हो चुकी है, साथ ही तख्तियां लेकर या किसी तरह के स्लोगन्स का कोई उपयोग या किसी तरह की कोई नारेबाजी सदन के अंदर अब नहीं हो सकती, इसको लेकर तो विपक्ष पहले से ही नाराज है। और सुरभि, कुमार कई सालों से कांग्रेस पार्टी को भी कवर करते आ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर क्या रणनीति बनाई है, ये भी बताइए कुमार। ये देखिए, रणनीति बड़ी साफ है। सबसे पहले संसद के दोनों सदनों में जिन शब्दों की बात की जा रही है, उन शब्दों का, जैसा कि राहुल जी ने कहा कि बहुत ही ऐसे शब्द हैं जो कि सामान्य आम बोलचाल की भाषा के शब्द हैं, जिनको कि यहाँ पर रोकने की बात की गई, लेकिन स्पीकर ने अपनी ओर से स्थिति साफ करने की कोशिश की है कि ये कोई तय नहीं है। तो आप देखना होगा जो कांग्रेस के और विपक्षी सांसद हैं, उनका कहना है इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद क्या कार्रवाई स्पीकर की ओर से होती है उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक धरने प्रदर्शन की बात है, मौका आएगा तो एक बार फिर उनका कहना हम गांधी की मूर्ति के नीचे या संसद भवन के भीतर प्रदर्शन करेंगे या अपना धरना देंगे, उसके बाद सरकार की ओर से या स्पीकर की ओर से क्या कदम उठाया जाता है, उसके बाद के आगे का एक्शन तय किया जाएगा। यानी दो दो हाथ करने के लिए विपक्ष तैयार है सरकार से, बस वो चाहता है कि स्पीकर की भूमिका क्या होती है अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो। इस पर तो नजर आएगी, लेकिन गौरव इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए बता देते हैं इस पूरे सत्र की एक एक डिटेल अब हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, आइए हम आपको बताते हैं मॉनसून सत्र के बारे में। मॉनसून सत्र कैसे चलेगा, कब चलेगा, क्या तारीख होगी, ये समझिए आप। 18 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद का मॉनसून सत्र चलेगा सुरभि, और कुल यहां पर देखें तो 18 बैठकें इस सत्र में होंगी, बहुत अहम होंगी, 108 घंटे तक कार्रवाई चलेगी। अब यही सवाल होता है कि क्या कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी, क्योंकि हंगामेदार रहने के जिस तरीके से आसार हैं, ऐसे में कोशिश यही है कि 32 बिल पेश किए जाएं इस पूरी कार्रवाई के दौरान, और साथ ही 14 बिल पेश होने के लिए पूरी तरीके से तैयार भी है। और इस बीच ये भी साफ है कि विपक्ष का 20 मुद्दों पर घेरने का पूरा प्लान है, जिसके बारे में लगातार हम अपने संवाददाता से कर रहे हैं चर्चा, और कुमार विक्रांत यही बता रहे हैं कि बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष पूरी तरीके से रणनीति भी बना चुका है। और समीर, ये जरूरी भी हो चुका है कि अब काम जरूर हो, लेकिन राष्ट्रहित को सोचते हुए काम हो, बशर्ते उसमें विपक्ष कितना सहयोग दे पाता है या नहीं।